बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तरन्नुम का जायका में आप सभी का खुश आमदीद। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं जोधपुरी पनीर मसाला। तो इसके लिए मैंने ले ली हूँ पनीर। पनीर की मैंने पीस कट कर ली हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ के पीस ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च के चॉप कर ली हूँ चौकोन चौकोन। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली हूँ एक लाल मिर्ची, अच्छी लाल मिर्ची, एक तेज़पत्ता, एक टेबल स्पून ज़ीरा, दो छोटी इलायची, तीन चार लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली हूँ दो छोटे प्याज को रफली चॉप कर ली हूँ, दो बड़े टमाटर को चॉप कर ली हूँ रफली, पांच छह काजू, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बुक्के मसाले मैंने ली हूँ हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं स्वाद अनुसार, एक टेबल स्पून नमक भी स्वाद अनुसार ले लीजिए। तभी हम बिस्मिल्लाह करके बनाना शुरू करते हैं। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मिक्सर के जार में प्याज, काजू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन ना हो तो आप अक्खी लहसुन और अदरक भी ले सकते हो। मेरे पास पेस्ट है तो मैं यहाँ पर पेस्ट डाल रही हूँ। सारी चीजों को अच्छे से मैं पीस लूंगी बारीक। मशरूम है यहाँ पर मैंने अच्छे से पीस कर बारीक सा पेस्ट बना ली हूँ, आप देख सकते हैं। एकदम बारीक पीसना, इसमें दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तभी हम बनाना शुरू करते हैं पनीर को। मैंने गैस पर रख दी एक पैन, इसमें मैंने एक टेबल स्पून तेल डाल दी, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है तभी हम इसमें डाल देंगे पनीर के पीसेस। पलट के दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। अच्छे अच्छे पलटना है ताकि पनीर फूटे ना बिल्कुल भी। माशाल्लाह आप देख सकते हो पनीर अच्छे से फ्राई हो चुके। तभी मैं इसको एक प्लेट से निकाल लेती हूँ। पनीर को मैंने एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब इसी तेल में मैं शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लूंगी। हर तरफ से शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम करके फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। शिमला मिर्च और पनीर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसी तेल में एक टेबल स्पून तेल डालकर अभी खड़े मसाले डाल देंगे। मैंने जिस बर्तन में सारी चीजों को फ्राई की उसी बर्तन में मैं पनीर बना रही हूँ। मसाला अच्छे से भून चुका है तभी हम इसमें पेस्ट डाल देंगे, टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाए थे। सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जरा भी स्मेल ना आए मसाले की। मिक्सर की बाटी में जो भी मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मैं वो भी डाल देती हूँ। सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से भून लेंगे। ये पनीर को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले को ढककर मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी पकने के लिए। बीच बीच में हम एक दो बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है मसाले को भूनते हुए, तभी हम खोल के चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने एक दो बार अच्छे से खोल के मिक्स कर ली थी। आप देख सकते हो माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। तभी हम इसमें सारे भुक्के मसाले डाल देंगे, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर,
गरम मसाला, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसमें हम डाल देंगे दो टेबल स्पून टमाटो केचप, एक टेबल स्पून सोया सॉस। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले को पकने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसी में मैं अभी डाल दूंगी शिमला मिर्च, ताकि शिमला मिर्च भी थोड़े से पक जाए। और ऐसे ही ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुका है, तभी हम खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने अच्छे से मसाला भून चुका है और शिमला मिर्च भी पक चुकी है। बीच बीच में आपको एक दो बार खोल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, वरना आपका मसाला जल जाएगा। और मीडियम फ्लेम पे ही मैंने पूरा मसाला भूनी हूँ। तभी मैं इसमें डाल दूंगी पनीर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। आप पनीर को पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, तंदूरी के साथ भी खा सकते हैं। सच में बहुत मजे की लगेंगी। आप देखो तो कलर भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है। तभी इसमें हम 2 बूंद पानी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून। मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाली जरा सा और इसको ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए भाप भर देंगे। 2 मिनट हो चुका है, तभी हम खोल कर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देख सकते हो हमारा पनीर एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। तभी मैं गैस को कर देती हूँ बंद। तो हम डालेंगे कोथमीर की हरी पत्ती। तो आप देख सकते हो हमारा पनीर एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। आप इसको पराठे के साथ सर्व करिए और खाने में सच में बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको सहरी में भी बना सकते हैं, जैसे रमज़ान का महीना है तो आप सहरी में भी इसे बना सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कौन सी रेसिपी देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इंशाल्लाह भी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।